वैसे तो हमने काफी बार स्पाइडरमैन को बड़े बड़े थ्रेट्स और विलन से लड़ते हुए देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कॉमिक्स में ऐसे कुछ चीजें भी हुई हैं जिससे स्पाइडरमैन कमजोर पड़ा है। मतलब आप बोल सकते हो कि वो स्पाइडरमैन जैसे पावरफुल सुपर ह्यूमन की वीकनेस है। अगर सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात की जाए तो स्पाइडरमैन जैसे फ्लैगशिप सुपर हीरो की पावर्स को तो हम सबने काफी बार देखा है, लेकिन उसकी वीकनेस हमें कभी नहीं दिखाई गई है। ऑल्दो कॉमिक्स में उन्हें काफी अच्छे से शो किया गया है। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ स्पाइडरमैन वीकनेस के ऊपर आपसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो कौन सी कमियां हैं जिनसे स्पाइडरमैन जैसे पावरफुल सुपर हीरो को भी इजीली हराया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। तो सबसे पहले हम स्पाइडरमैन की जिस वीकनेस के ऊपर आपसे बात करने जा रहे हैं वो वीकनेस जुड़ी हुई है स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स से, जो हमें देखने को मिली थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू नंबर 144 में, जहां स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स पानी में खराब हो गए थे। दरअसल उस सीक्वेंस के दौरान स्पाइडरमैन लड़ते लड़ते एक लेक में गिर गया था, जिसके बाद जब वो उस लेक से बाहर निकलता है तो उसके वेब शूटर्स पानी से खराब हो जाते हैं। लेकिन ये थोड़ी इम्प्रैक्टिकल सी वीकनेस है जिसे स्पाइडरमैन बेटर टेक के साथ इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन हमारी लिस्ट की अगली वीकनेस स्पाइडरमैन की काफी वियर्ड वीकनेस में से एक है, जो शायद ही हमें कभी सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को मिले। अब जानते हैं कॉमिक्स में एक सीक्वेंस के दौरान स्पाइडरमैन को एमनीजिया नाम की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो गया था। यहाँ तक कि इस इशू के एंड में डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन की पूरी मेमोरी को वाइप आउट भी कर देते हैं, जिसके बाद उसे अपने अकॉर्डिंग दोबारा सेट करते हैं। ये मेमोरी लॉस वाला इशू दरअसल में एक नए प्लॉट के लिए सेट किया गया था, जिसे 90s के दौरान ही डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया था। खैर, वो एमनीजिया वाला सीक्वेंस मार्वल ज्यादा खींचना भी नहीं चाहता था, पर हमारी लिस्ट की अगली वीकनेस एक ऐसी वीकनेस है जिसे स्पाइडरमैन कॉमिक्स में तो क्या सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी काफी परेशान हुआ है, जो जुड़ी हुई है स्पाइडरमैन के मोस्ट पावरफुल स्पाइडी सेंस से, जिसको कुछ सब्सटेंसेस या फिर आप बोल सकते हैं कि मेडिसिन से डिसरप्ट करने का तरीका ढूंढ निकाला था कुछ सुपर विलेंस ने, जिससे स्पाइडरमैन को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। लेकिन ये तो बात ड्रग्स और फॉरेन सब्सटेंसेस की थी, लेकिन कुछ ऐसे सुपर विलेंस भी हैं जो स्पाइडरमैन के स्पाइडी सेंस को डिसरप्ट करके उसे परेशान करते रहते हैं, जैसे कि वेनम, जिसको स्पाइडी सेंस डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है। इसीलिए वेनम स्पाइडरमैन के बड़े थ्रेट्स में से एक माना गया है। लेकिन सिर्फ वेनम और दूसरे फॉरेन सब्सटेंसेस ही नहीं, एक केमिकल ऐसा भी है जो स्पाइडरमैन की पावर्स को उस लेवल पर अफेक्ट करता है जिस पर क्रिप्टोनाइट सुपरमैन को करता है। इसका नाम इथाइल क्लोराइड है, जो कि स्पाइडरमैन की एक बहुत बड़ी वीकनेस है, जिसकी पावर्स को ऑलमोस्ट कैंसिल तक कर सकता है। लेकिन लकीली ये सब्सटेंस इतना इजीली मिलना मुश्किल है, जिसको कॉमिक्स में स्पेंसर स्मिथ नाम का स्पाइडरमैन विलेन लगातार इस्तेमाल किया करता था स्पाइडरमैन से लड़ने के लिए। खैर, ये तो एक केमिकल था जो मिलना भी मुश्किल है, पर स्पाइडरमैन की अगली वीकनेस तो उसकी रेडियो एक्टिव पावर्स की वजह से ही जनरेट हुई है, जिसके इम्यून सिस्टम को इतना वीक कर देती है कि स्पाइडरमैन नॉर्मल से नॉर्मल फ्लू से भी इन्फेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन की बॉडी हमेशा एग्जॉस्टेड रहती है। और तो और, ये फ्लू इन्फेक्शन स्पाइडरमैन की वॉल क्लाइंबिंग एबिलिटी को भी कम कर देता है, जो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वैसे ये वीकनेस द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू नंबर 48 में देखने को मिली थी, जिसमें स्पाइडरमैन वल्चर के अगेंस्ट लड़ते हुए फ्लू से इन्फेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से वो फाइट सीक्वेंस को भी हार गया था। और आप जानते हैं ये फाइट सीक्वेंस कॉमिक्स में इतनी इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि इसके अंदर ग्वेन स्टेसी को स्पाइडरमैन बचा नहीं पाया था। वैसे एक बहुत बड़ा मोमेंट था स्पाइडरमैन की लाइफ का, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन अपनी स्पाइडर बॉय इमेज से बाहर निकल के स्पाइडरमैन बन गया था। अच्छा, ये तो बात फिजिकल वीकनेस और उसकी टेक की थी, लेकिन क्या आप जानते हैं स्पाइडरमैन की एक वीकनेस ऐसी भी है जो उसको छोटी सिटीज में क्राइम से लड़ने से रोकती है। दरअसल में वो कोई इंटरनल वीकनेस नहीं है, बल्कि वो बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स हैं जो उसके वेब स्लिंगर्स को सपोर्ट करती हैं। मतलब वो ऊंची बिल्डिंग्स उसकी स्ट्रेंथ है और इसी तरह छोटी बिल्डिंग्स उसकी वीकनेस है। अच्छा, ये बिल्डिंग्स और सब्सटेंसेस के बाद अब एक ऐसी वीकनेस के ऊपर हम आपसे बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही यूनिक है, जो किसी तरह का कनेक्शन है जो उसे यानी कि स्पाइडरमैन को कमजोर बना देती है। ये वीकनेस जुड़ी हुई है एंटी वेनम से, जो सिम्बियोट्स के इंट्रोडक्शन से ही स्पाइडरमैन को परेशान कर रहा है। वैसे ये एक स्ट्रेंज कनेक्शन है, जिसकी वजह से जब भी एंटी वेनम स्पाइडरमैन के आसपास होता है स्पाइडरमैन की पावर्स कम होना शुरू हो जाती है। ये माना गया है कि एंटी वेनम की वजह से ही स्पाइडरमैन की रेडिएशन जिससे उसे पावर मिली है कम होना शुरू हो जाती है, जिससे वो अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जो उसे एंटी वेनम से लड़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। पर हमारी लिस्ट की अगली और आज की आखिरी वीकनेस एक ऐसी कमजोरी है जिससे ज्यादातर सभी सुपर हीरोज का अपनी जिंदगी में सामना हुआ है, क्योंकि उसके चाहने वाले या फिर आप बोल सकते हैं कि उसकी फैमिली है, और स्पाइडरमैन के केस में वो आंट मे है, जो शायद स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसका फायदा उसके विलेंस
स्पाइडरमैन को हराने के लिए हमेशा उठाते हैं और उठाते रहेंगे, जिससे स्पाइडरमैन कमजोर तो पड़ेगा लेकिन वो हारेगा नहीं, क्योंकि ये फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन हमेशा सच के लिए लड़ा है और जो सच के लिए लड़ता है वो कभी नहीं हारता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि आज की वीडियो तो बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही में आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @thefilmfire को फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।